नमस्कार साथियों, चलिए तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स का पहला पेपर। आप सभी को मालूम है कि जो आपका सिविल सर्विस परीक्षा करवाता है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में आपके दो पेपर होते हैं। एक पहला होता है जिसे आप लोग सामान्यतः प्रश्नपत्र फर्स्ट के नाम से जानते हैं, दूसरा आप लोग सी सेट होता है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि जो दूसरा पेपर होता है इसे केवल आपको पासिंग नंबर चाहिए होते हैं, 33% अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप वहाँ पास हो जाते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में पहुँचने के लिए आपका जो मेरिट लिस्ट बनती है वो पहले पेपर के आधार पर ही बनती है। और अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 2013 का भी, 2014 का भी, 2012 का भी और 2011 का 4 साल के अभी तक हम लोग क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर चुके हैं और बहुत ही विस्तार से इस पर हम लोगों ने बात की हुई है। और याद रखिए, सिविल सर्विस से जुड़ी क्लासें और भी ली हुई हैं। आप देखिए कि आपके दिमाग में अगर सिविल सर्विस से संबंधित कोई भी सवाल है, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है, तो आप उन क्लासों को देख लीजिएगा, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है उन क्लासों को देखने के बाद तो आप लोग मैसेज करिएगा, आपको उसमें भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को मालूम है कि इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है, आपके 200 नंबर का रहता है और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। याद रखिए, टेस्ट जो बुकलेट रहती है ना, ये 4 सीरीज में आती है, ए बी सी डी। और आप सभी जानते हैं कि इनमें क्वेश्चंस आपके सेम ही रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। आपके हो सकता है कि पेपर जो आपका ए सेट हो, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 पर हो जो क्वेश्चंस, वही बी में हो सकता है कि उसका क्रम बदल के 5वें नंबर पे पहुंच गया हो, यही फर्क रहता है बस, ठीक है। और एक बात और याद रखिए कि इसमें माइनस मार्क ही रहती है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो बड़ा सोच समझ के तुक्का लगाना होगा, वरना नुकसान भी आप उठा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन? प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई? और आप समझिए कि जब से प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं, अगर सबसे अच्छा काम कहें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिनके पास बैंक खाता नहीं था, तो उनके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिन लोगों ने बैंक का मुंह नहीं देखा हुआ था उनके पास भी आप देखिए इस योजना के अंतर्गत खाते उपलब्ध हो चुके हैं, और जीरो मिनिमम बैलेंस जीरो से, जो आप देखते हैं कि पहले बैंक मांगते थे 1,000 रुपये या 2,000, अब जाके आप जीरो बैलेंस पर भी खुलवा सकते हैं खाता। तो इसमें एक कथन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करना करने के लिए। बी कह रहा है पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। सी कह रहा है देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इन इंक्लूजन को प्रोत्साहन करने के लिए। या डी कह रहा है उपांतिक मर्जिन लाइट समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। क्या करोगे इसमें बताओ? तो इसमें आप सभी को मालूम है कि इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 15 अगस्त 2014 को आप सभी जानते हैं कि नई जो सरकार बीजेपी आई हुई है, ये 2014 में इसका गठन हुआ था, सत्ता में 2014 में आई हुई थी, मई 2014 आपने देखा है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी साहब बने थे। तो इन्होंने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की घोषणा की थी, और जिसके तहत प्रत्येक परिवार को अपना एक बैंक खाता खोलना होगा और इसके जरिए उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ होगा, और यह योजना वित्तीय समायोजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से घोषित की गई थी। आपकी क्या एज है ये मायने नहीं रखती है, आप लोग यहां जाकर खाता खुलवा सकते हैं। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, दूसरा, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप देखते हैं कि वित्त आयोग आपके 5 साल में इसका गठन होता रहता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया, और इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, और आपको बता दूं कि इस लाइन को आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस का आंसर आते हुए भी हम लोग गलत कर बैठते इस लाइन की वजह से। आप देखिए कि यहां लिखा हुआ है सही उत्तर चुनना है,
अगर आपसे लिखा होता कि इनमें से कौन सा कथन गलत है या असत्य है, सही नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर ही बदल जाता। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ा करिएगा, ठीक है? और आप समझिए कि क्वेश्चंस अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग आंसर के करीब पहुंच जाते हैं लगभग। तो इसमें आप देखेंगे एक कथन बिल्कुल सही है, 14वां वित्त आयोग ने विशेष क्षेत्रों के अनुदानों से संबंधित सिफारिश नहीं की सिवाय कुछ क्षेत्रों के यथा स्थानीय निकाय आदि को छोड़कर। अभी तो आप देख रहे हैं कि 15वां वित्त आयोग आ चुका है, एन के सिंह इसके अध्यक्ष है, और ये 2020 से लेकर 2025 के लिए होगा, ठीक है? तो इसमें ये केवल आपका एक कथन सही है, केवल एक। क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा, हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है? हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कौन से मामले से संबंधित है? और इसीलिए कहते हैं कि कम से कम एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा, क्योंकि इस तरह के कोई शब्द चर्चा में रहता है तो आप देखते हैं कि उससे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बन जाता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके पास जनसत्ता ऑप्शन है, या आप लोग दैनिक जागरण भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसमें पहला कह रहा है कि एशियन, दूसरा कह रहा है ब्रिक्स, तीसरा कह रहा है OECD, और डी कह रहा है WTO। और एक बात और बता दूं आपको, इस तरह के आपके जो भी संगठन हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उन सभी संगठनों को भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस आपके इन संगठनों से हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और इन सभी संगठनों को हम लोग कवर भी किया हुआ है, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक सूची बना रखी है, उसी में सभी क्लासे आपकी डली हुई है। अगर फिर भी अगर कोई छूटा हो तो बताइए, उसे भी हम लोग कवर करवा देंगे। तो इसमें आप देखेंगे आपका ब्रिक्स होगा, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन, आपने देखा होगा कि 6वें ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में, इसका आयोजन इसी में हुआ था, ठीक है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चार, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है, क्या दर्शाती है? एक कथन कह रहा है आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक इक्विटेबल वितरण। आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, यानी कि इनमें से सही कथन आपको देखना है, बताइए क्या करोगे? तो इसमें याद रखिए आपका केवल एक कथन सही रहेगा, दूसरा आपका गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है? जब किसी देश के कर द्वारा जीडीपी के अनुपात में वृद्धि होती है तो यह तीव्र आर्थिक वृद्धि दर को दर्शाता है। इसके विपरीत अवस्था आप देख सकते हैं, कर द्वारा जीडीपी अनुपात में कमी होती है, यानी कि आर्थिक वृद्धि दर में ह्रास की प्रवृत्ति का ये संकेत देती है, यानी कि कमी को दर्शाती है एक तरह से। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने पांचवा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर पांच? क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है आपसे, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है, बताइए क्या कारण होगा इसका? उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? नहीं होता है, याद रखिए। तो पहला कथन कह रहा है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, बी कह रहा है अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिरले बिरले ही होता है, और सी कह रहा है कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, और डी कह रहा है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका कारण है अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिरले ही होता है, इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने छठवा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म
सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यानी कि इनका कहना है कि भारत के राज्यों में आपको बताना है, इन नीचे जो आपके ऑप्शन दिए गए, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को आपको बताना है। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो मुझे लगता है सबको आपको मालूम है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आप सभी जानते हैं कि पूर्व में आपको, सबसे पूर्व में आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, और सबसे पश्चिमी अगर राज्य की बात करें तो आपको गुजरात देखने को मिलेगी। और इसीलिए कहते हैं कि मैप को आप लोगों को कम से कम देख लेना चाहिए, किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस से देश से लग रही है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस आते रहते हैं। पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा राज्यों से लगती है, या फिर आपसे पूछ लेगा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सिक्किम की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो इन सब पर भी हम लोगों ने विस्तार से क्लासेस ली हुई है आपकी। मुझे नहीं लगता कि जीएस में आपको कहीं, जीके जीएस में आपको कहीं कमी दिखाई देगी, कंप्यूटर हो या फिर उसकी साइंस का पार्ट हो, या हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमी का, सब कुछ कवर किया हुआ है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड यानी कि विश्व भूगोल को आपने देखा है कि हम लोगों ने पूरा मैप का सहारा लेकर बताया है, तो इसमें आप लोग डी देखेंगे। और आपको अगर भी, आपके दिमाग में थोड़ा भी अगर भारत का मैप आपको याद होगा, फीड होगा आपके दिमाग में, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश आपको सबसे पूर्व में देखने को मिलेगा, गुजरात सबसे पश्चिम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, विचार ही करना है। पहला कथन क्या कह रहा है इसमें? पहला कथन कह रहा है आपसे, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कह रहा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो आपको बता दूं, दोनों कथन बिल्कुल सही है आपके। और एक जानकारी आपको दे दूं, और मैं बार बार आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि कम से कम 6-7 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के देख लिया करेगा। इनसे आप लोगों को ये जानकारी हो जाती है कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए कि आपके मौलिक अधिकार हों, मौलिक कर्तव्य हों, या नीति निर्देशक तत्व हों आपके, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। आप देखिए, दो तीन क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, और आप देखेंगे कि आपका भाग जो 4 देखते हैं आप लोग, ये इसमें आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इसमें जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो जो सुविधाएं देने की बात की गई है, अगर वो सुविधाएं आपको नहीं मिलती है तो आप लोग ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपकी सरकारों पर निर्भर रहती है कि वो अगर चाहें तो इन सुविधाओं को आपको दिला सकते हैं, और ना चाहें तो ना दिला सकें, ना दें। लेकिन आप देखते हैं कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई उन पर प्रतिबंध लगाता है, तो आप आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। और आप देखिए कि एक लोकतंत्र होने के लिए एक तरह से अच्छे से व्याख्या भी कर देता है कि अगर कोई राज्य अपने लोगों का ख्याल रख रहा है, जनता का ख्याल अच्छे से रख रहा है, तो उसे तो आप एक तरह से कह देते हैं लोकतांत्रिक देश है। तो ये दोनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित भी करते हैं, आर्थिक, सामाजिक और गांधीवादी और उदारवादी। इसे प्रशासक आचार संहिता भी कहते हैं। और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, एक तरह से इनका कहना है। चलिए, इसमें आपका सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? बताइए किसको महत्व दिया गया है सबसे ज्यादा? ए कह रहा है आपका कोयला, क्या कह रहा है? कोयला उत्पादन को। बी कह रहा है आपसे विद्युत उत्पादन को। सी कह रहा है उर्वरक उत्पादन को। और डी कह रहा है इस्पात उत्पादन को। तो आप सभी जानते हैं कि आपका इसमें बी होगा, विद्युत उत्पादन को। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में कोयला उत्पाद हो गया, विद्युत उत्पाद हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक उत्पादन, स्टील उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन। लेकिन आप देखेंगे इनमें से सर्वाधिक महत्व विद्युत उत्पादन को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? क्या करता है? बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी कि स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इसमें ये कह रहा है भितरकनिका कनिका नेशनल पार्क, बी कह रहा है आपका केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी कह रहा है केवलादेव घना नेशनल पार्क और डी कह रहा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो आप सभी जानते हैं इसमें लगाओगे केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और आप देखेंगे कि मणिपुर राज्य के बिशनपुर जिले में ये आपको पार्क देखने को मिलेगा। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ लोक केक झील का एक भाग भी है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 10। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन कह रहा है कि एनआईएफ केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा कह रहा है एनआईएफ अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको इनमें से सही कथन देखना है। तो याद रखिए इसमें आपका एक कथन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि आपकी जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया है ये भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त शासी संस्था है जो हनी बी नेटवर्क के दर्शन पर आधारित है। और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान समाज के तृणमूल नवोचारकों और परंपरागत ज्ञान धारकों को संस्थागत सहयोग प्रदान करता है। और यह प्रतिष्ठान भारत ने सन 2000 में प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 11। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयोग उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? क्या प्रभाव हो सकता है बताइए, क्या प्रभाव हो सकता है? कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से क्या प्रभाव हो सकता है? इनका क्वेश्चंस का कहना है, यही कहना है। इसमें पहला कथन क्या कह रहा है? नाइट्रोजनी यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में पिचरोधवन हो सकता है। दूसरा कह रहा है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा कह रहा है भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इसमें से। तो आप देखेंगे इसमें एक तो आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा कथन सही है। नाइट्रोजन उर्वरक अमोनिया रूप में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और निर्जल अमोनिया मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है तथा अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं और नाइट्राइड का संचय पौधे के लिए बेसिक होता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि 2 और 3 कथन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अब आप ही सोचिए कि इसमें अगर पूछ लेता सही नहीं है तो आप देखते कि इसका ऑप्शन बदल जाता,
केवल एक इसमें सही नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 12, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटपन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे आप लोग सिटीज के नाम से भी जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सही कथन इनमें से आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन देखना है। कैसे देखोगे सही कथन बताइए? 12 में कौन सा लगाओगे ऑप्शन? एक कथन कह रहा है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा सिटीज सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। दूसरा कथन कह रहा है कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर के हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। और तीसरा कह रहा है सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो आपको बता दूं, एक तो आपका इसमें दूसरा कथन बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा कथन बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें कौन सा कथन, कौन सा विकल्प आप सही लगेगा आपको? कौन सा गोला भरोगे एक तरह से? आपकी जो आंसर कॉपी आती है उसमें आंसर शीट में दूसरा बी ऑप्शन। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, वैसे इस पर हम लोगों ने एक क्लास ही रखी हुई थी कि आंसर बुकलेट किस तरह से आपको भरनी है। और याद रखिए, जब एक बार आप लोग भर देते हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो बड़े ध्यान पूर्वक भरा करिएगा, बड़े एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए, क्योंकि आप देखते हैं एक दो क्वेश्चंस गलत होने से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। ये नुकसान वही अनुभव कर सकते हैं जो एक दो नंबर से रुके हों। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछ रहा है? 13, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है? ए कह रहा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरा बी कह रहा है कृषि लागत और कीमत आयोग, सी कह रहा है कृषि कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, और डी कह रहा है कृषि उत्पादक विपणन समिति। तो इसमें याद रखिए, आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से निर्धारित करती है, ठीक है? एक तरह से अन्य फसलों पर आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, उसी तरह से आप कह सकते हैं गन्ने पर यह निर्धारित होता है, ठीक है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 14, विषुवतीय पीति धाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे से होती है? इसमें आपका ए ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी कह रहा है दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, सी कह रहा है जल की लवणता में अंतर, डी कह रहा है विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला का होना। तो याद रखिए, इसमें आपका ए कथन बिल्कुल सही रहेगा। विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग की विशाल जल राशि एकत्रित करती है और इसमें महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है। ए ऑप्शन आपका कैसा रहेगा? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं तीर्थ स्थल है और दूसरी अवस्थिति है, यानी कि कहाँ है, किस जगह है आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला क्या कह रहा है आपसे? पहला आपसे कह रहा है श्री सैलम। ये कह रहा है कि नल्ला मल्ला पहाड़ियों में देखने को मिलेगा, ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, और तीसरा कह रहा है पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। इनमें सही आपको सुमिलित देखना है कि कौन सा सही सुमिलित है। तो इसमें आप देखेंगे श्री सैलम आपका
नल्ला माल्ला पहाड़ी पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। बाकी दोनों आपके गलत है, क्योंकि जो ओंकारेश्वर ये आपका मंधाता पहाड़ियों में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और जो आपका पुष्कर है आप देखते हैं अजमेर में देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 16। रॉलट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम लोग इतिहास में पहुंच चुके हैं एक तरह से, ये इतिहास का क्वेश्चन है आपका। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर इतिहास आपने अच्छे से पढ़ी है तो। क्या कह रहा है आपसे? इसमें पहला कथन कह रहा है कि रॉलट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, और इसमें दूसरा कथन कह रहा है रॉलट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, और तीसरा कह रहा है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है, सही उत्तर भी चुनना है। ये 1919 की घटना है, पता है आपको? ये 1919 की घटना है। तो इसमें एक तो आपका एक कथन बिल्कुल सही है, और एक आप देखेंगे इसमें दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। रॉलर सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हंटर समिति की सिफारिश पर आधारित था। किसकी? हंटर समिति की। और इसमें राजनीतिक सत्याग्रही गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। आपको रोलेट सत्याग्रह एक्ट के बारे में मालूम है कुछ? इसके बारे में याद रखिए कि क्रांतिकारी 1919 की बात है, जो आपके क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों की भावनाओं को कुचलने के लिए एक तरह से सन 1918 में एक आपने देखा होगा कि सर सिडनी रॉलेट की समिति गठित की गई थी, और इसी की सिफारिश पर 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था, जिसे आप लोग रॉलेट एक्ट कहते थे। और इसमें कहा गया था कि बिना मुकदमा चलाए जेल में भी डाल सकती थी सरकार, अंग्रेजी सरकार। एक तरह से आप सोचिए कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन था या राष्ट्रवादी लोग थे, उन्हें दबाने के लिए एक तरह से ये लाया गया था। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कि काला कानून भी कहा गया उस समय, गांधी जी और बाकी जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे सामने 17। निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है? क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किनका इबोला के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है? इसमें पहला कथन आपसे कह रहा है सीरिया और जॉर्डन, सीरिया और जॉर्डन। दूसरा कह रहा है गिनी, सियेरा लियोन और लाइबेरिया। सी कह रहा है फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, और डी कह रहा है जमैका, हेती और सुरीनाम। तो याद रखिए 2014-15 की खबर है, तो उस हिसाब से ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन होगा, गिनी, सेरा लियोन और लाइबेरिया, ये सभी आपके ही देश देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 18। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले वाले शक्ति संयंत्रों में से प्राप्त फैलाई है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आप सभी जानते हैं कि ईंधन के रूप में या विद्युत उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कोयले का ही उपयोग होता है। तो कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त जो फैलाई गैस है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको सही कथन देखना है। फैलाई गैस का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा इसमें कह रहा है कि फैलाई गैस का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट टन के स्थानापन्न
रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है फ्लाइएस केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त यानी कि टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो इसमें आप देखेंगे एक कथन आपका बिल्कुल सही है और दूसरा बिल्कुल सही है। फ्लाइएस सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड कोयला एवं पत्थर से बना होता है और इसमें विषाक्त तत्व होता है। आर्सेनिक हो गया, बेरिलियम हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, मरकरी हो गया, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक और दो यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें तीसरा आपका बिल्कुल कथन गलत था। क्वेश्चन है हमारे सामने 19। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन इसमें क्या कह रहा है? पहला कथन इसमें क्या कह रहा है आपसे? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा कह रहा है यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा कह रहा है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है। सही कथन है इसमें से आपको देखना है। कैसे देखोगे? तो इसमें याद रखिए एक आपका कथन सही है और एक आपका तीसरा कथन सही है। ड्यूगोंग भारत के समुद्री तट मन्नार की खाड़ी के दक्षिणतम छोर पर जो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप से सटा हुआ है यहां आपको देखने को मिलेगा। पाक की खाड़ी गुजरात तट के कच्छ की खाड़ी में भी देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में ड्यूगोंग की संख्या विलुप्त की कगार पर भी है। इसमें आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक और तीन क्वेश्चन है हमारे सामने 20। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे या था? आर्थिक आलोचक थे या था? तो था और थे में क्या बताओ कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जीव सुब्रमण्यम अय्यर या फिर आरसी दत्त? इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। तो आप सभी जानते हैं कि तीनों थे आपके, यानी कि डी। भारत में आर्थिक उपनिवेश के आलोचकों में आप देखेंगे जस्टिस गोविंद महादेव रनाड़े हो गए, रमेश चंद दत्त हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, एस सुब्रमण्यम अय्यर हो गए या पीसी राय हो गए, ये प्रमुख थे इसमें। इसमें आपके डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 21। विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? आपसे कहा था कि संगठनों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप देखिए कि खासकर उन संगठनों से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें भारत सदस्य है, भारत मेंबर है उसका। और ये संगठन कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है इस पे भी आप लोग बेहतर याद रखिएगा। पहला इसमें आपसे कह रहा है एशिया विकास बैंक, दूसरा कह रहा है यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, तीसरा कह रहा है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक या फिर आपकी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो आप सभी जानते हैं कि विश्व बैंक डी ऑप्शन सही है। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 22। जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक यानी कि बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? क्या होने की संभावना होती है? जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नगदी अनुपात स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? ए कह रहा है कि भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। बी कह रहा है विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। सी कह रहा है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। या डी कह रहा है इसमें बैंकिंग व्यवस्था की नगदी
में प्रबलता में कमी आ सकती है। तो याद रखिए इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 23, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या है? सही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही कथन देखना है। एक कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया। दूसरा कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। आपको नीचे दिए गए जो कूट है इनके आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपकी दोनों कथन बिल्कुल सही रहेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी वह अप्लाइड साइंस है जिसमें 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर भी काम किया जा सकता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, दूर संचार, घरेलू उपकरण, कागज और पैकिंग उद्योग, आहार, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, खेल जगत में भी इसका उपयोग होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, और ये काफी चर्चा में भी रहती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 24, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? क्या किया जाता है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? एक कथन कह रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बी कह रहा है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, सी कह रहा है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, शहरीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937, डी कह रहा है खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो इसमें आप सभी को मालूम होना चाहिए बी ऑप्शन होगा आपका। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को दिल्ली में की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बताइए कौन सा है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रेडली टर्टल, कूर्म या गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल? तो आप सभी को मालूम है गंगा की डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु घोषित किया गया है, और गंगा नदी में आप सभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और आजकल इनकी संख्या में कमी भी बताई जा रही है, जिनमें आप देखिए गंगा का प्रदूषण होना भी एक कारण है, इनका शिकार भी किया जाता है। तो इसमें आप सी लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 26, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें एक कथन क्या कह रहा है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की, यह सर्वहारा वर्ग का अधीन नायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा कह रहा है इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की थी, या फिर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इन तीन कथन में से आपको सही कथन चुनना है। कैसे चुनोगे सही कथन बताइए? इसमें आप देखें सही कथन यानी कि कोई भी कथन आपका सही नहीं है, यानी कि आपके डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है हमसे? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।
दूसरा कह रहा राज्यसभा के अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, और तीसरा कह रहा राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको देखना है। तो आप सभी देखेंगे कि इसमें पहला कथन भी आपका बिल्कुल सही है और एक आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है। राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है। धन विधेयक के मामले में आप देखेंगे राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती है। अगर वो कोई संशोधन भी करना चाहती है तो लोकसभा के पास एक तरह से शक्ति है कि वो संशोधन को मान सकती है और ना माने, समझ रहे हैं? तो ये भी याद रखिए, अगर अगर 14 दिन तक अपने पास रखती है राज्यसभा तो एक तरह से मान लिया जाता है कि पास कर दिया उसने, और ना ही राज्यसभा के पास आप देखेंगे अनुदानों की मांग पर मतदान कर सकती है आपकी राज्यसभा। तो इसमें आप लोग क्या लगेंगे? बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 28। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ए कह रहा है न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, बी कह रहा है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, सी कह रहा है भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 29। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? कौन निकालता है भाई? इसमें आप देखेंगे आपसे ए ऑप्शन क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा कह रहा है आर्थिक कार्य विभाग, सी कह रहा है आपका श्रम ब्यूरो, और डी कह रहा है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो याद रखिए इसमें श्रम ब्यूरो ब्यूरो ए निकालता है आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 30। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आई दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। एक कथन कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रॉनो संसूचक न्यूट्रॉनो डिटेक्टर है, दूसरा कह रहा है यह डायरेक्ट मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है, तीसरा कह रहा है यह बड़े यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल कथन तीनों सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रॉनो संसूचक है, और यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन, और यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 31। एग्रीमेंट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द प्रयास समाचारों में किसके मामले के संदर्भ में आते हैं? ये शब्द किन के लिए किस लिए चर्चा में थे, किन से जुड़े हुए हैं, इनका यही पूछना है एक तरह से। बताइए, ए कह रहा है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, बी कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन, सी कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, डी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो याद रखिए इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिपिटी एंड फाइटोसैनिपरी
मेजर्स एवं पीस क्लॉज विश्व व्यापार संगठन की संधियां एवं कार्यक्रम है, यानी कि WTO से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या लगाओगे? सी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 32। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि निकट क्षेत्र संचार, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसे आप लोग शॉर्ट में NFC भी कहते हैं, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको नीचे तीन कथन दिखाई दे रहे हैं। पहला कथन इसमें कह रहा है कि यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। दूसरा कथन कह रहा है कि NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। और तीसरा कथन आपसे कह रहा है कि संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC इनक्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका एक कथन सही है और एक आपका तीन कथन बिल्कुल सही है इसमें, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? आप लोग काफी बार देखते होंगे कि गोलन हाइट्स एक काफी चर्चा में बना रहता है, तो ये किस कारण से जाना जाता है? पहला कह रहा है कि मध्य एशिया, दूसरा कह रहा है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, और सी कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, और डी कह रहा है मध्य अफ्रीका। तो याद रखिए, इसे मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, गोल्डन हाइट्स के नाम से मध्य पूर्व जाना जाता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 34। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता से क्या मतलब है आखिर इसका? एक कथन आपसे क्या पूछ रहा है? एक कथन कह रहा है कि रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना। बी कह रहा है कि रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। और सी कह रहा है रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। और डी कह रहा है भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। इन चार में से आपको एक ऑप्शन तो चुनना ही है, कौन सा चुनोगे आप? तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। रुपए की परिवर्तनीयता से मतलब होता है इसका कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 35। निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन भारत राज्य है और वर्तमान क्षेत्र है, चंपक, मध्य भारत, दुर्गर, जम्मू, कुलूत, मालाबार। उपयुक्त युगमों में से कौन सही सम्मिलित है? इन तीन में से आपको बताना है कि सही सम्मिलित कौन सा है। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो याद रखिए, इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, दुर्गर ये जम्मू में, ठीक है, और जो आप चंपक देखते हैं ना, चंपा, चंबा, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और जो आप कुल्लू देखते हैं, जिसे कुल्लू भी कहते हैं, कुल्लू, ये आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। चंपक आपका हिमाचल प्रदेश में, और जो आपका कुलूत है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 36। निम्नलिखित नदियों पर आपको विचार करना है। किन पर? नदियों पर। पहली है आपकी वंशधारा,
दूसरी है इंद्रावती, तीसरी है प्रणहिता और चौथी है पिंडार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? आपको इनमें से चुनना है जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, उनके नाम आपको बताना है। तो इसमें याद रखिए, एक तो आपकी इंद्रावती है और एक आप देखेंगे इसमें आपकी प्रणहिता है। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो बाएं ओर से आप देखेंगे पूर्णा हो गई, प्रणहिता हो गई, ताली पेरू, पैनगंगा, वर्धा, और दाएं तरफ से देखेंगे तो प्योवारा, मंजीरा, मनेर, किन्नेर, सनी, ये सभी आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन 2 और 3। क्वेश्चन है हमारे सामने 37। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इससे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए जाना होता है? एक तो आपको बता दूं, जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो तब आप देखते हैं कि आपका एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसे बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये विशेष तौर पर आप लोग याद रखिएगा, बुलाता को और कोई और है, इसकी अध्यक्षता कोई और करता है। इसमें ये ऑप्शन कह रहा है आपका, ये क्या कह रहा है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। बी कह रहा है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, और सी कह रहा है सदनों का 2/3 बहुमत, और डी कह रहा है सदनों का पूर्ण बहुमत। तो याद रखिए इसमें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। संविधान का जो आर्टिकल 108 है ना, अनुच्छेद 108, इसके अंतर्गत होने वाली दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 38। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंगो वन, सदाबर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन देखने को मिलेगा, संयोजन होता है, तो इसमें क्या करोगे? ए कह रहा है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, और बी कह रहा है आपसे दक्षिण पश्चिम बंगाल, और सी कह रहा है दक्षिणी सौराष्ट्र, और डी कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश होगा। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे मैंगो वन हो गया, सदाबर्णी वन और पर्णपाती वनों, इनका सबका संयोजन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या लगाओगे? ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 39। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? आप देखिए कि बुद्ध से, आप देखिए बुद्ध और जैन धर्म, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, और इसीलिए कहता हूं कि कम से कम आप लोग बौद्ध और जैन धर्म को विस्तार से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आपने अगर पुरानी क्लासें भी देखी होंगी तो उनमें भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2015 का देख लीजिए, उसके बाद आप 2014 का भी देखना, 2013 का भी देखना, सब में आप देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एक एक कथन है आपका अवंती, गंधार, कौशल और मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें से क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो किसका संबंध है? तो आप सभी को मालूम होगा इसमें आपका एक तो कौशल है और एक आप देखेंगे मगध। इनका संबंध आप देखेंगे कि बौद्ध के जीवन से रहा है, कौशल और मगध का, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, फ्रिजिंग आउट के मुद्दे से संबंध रखता है? इसमें ये कह रहा है आपका ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन,
बी कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल और डी कह रहा है नगोवा प्रोटोकॉल। तो इसमें याद रखिए आपका बी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपका संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन 1987 में किया गया था। समता मंडल में स्थित ओजोन परत पर अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने से संबंधित था ये, ठीक है, जिससे आप ओजोन परत को सुरक्षा मिल सके। और आप सभी जानते होंगे कि ओजोन परत का काम यही होता है, कुछ जो हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें रोकना उसी का काम है। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 41। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप एक ऑप्शन कह रहा है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, दूसरा कथन कह रहा है इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराव गुम्मत बनने की शुरुआत हुई, और तीसरा कथन कह रहा है कि इस क्षेत्र में तैमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। और आगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। कैसे चुनोगे? तो इसमें आप देखेंगे बाबर के भारत आने के फलस्वरूप तैमूर राजवंश का स्थापित हुआ था, यानी कि केवल आपका तीसरा कथन सही है। और आप सभी जानते हैं कि 1526 के आसपास की ये घटना है। आप देखते हैं कि पहला वह पानीपत का युद्ध होता है, और उसमें आप देखते हैं कि जो आपकी एक तरह से लोधी वंश खत्म होता है और आपका मुगल स्थापित होते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल आपका तीन यानी कि क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है? भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? आप सभी जानते हैं कि पहले एक योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन सन 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आपका नीति आयोग आ चुका है, और अब आप देखते हैं कि योजना आयोग खत्म हो चुका है एक तरह से। तो इसमें आपका डी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 43। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? Rio+20 सम्मेलन क्या है? इसमें एक कथन आपसे कह रहा है, एक कथन क्या कह रहा है? यह आधारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी कह रहा है यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। सी कह रहा है यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का एक सम्मेलन है। और डी आपसे कह रहा है यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो Rio+20 है ना आपका, ये आपका धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है, ठीक है। और सस्टेनेबल जो आपके डेवलपमेंट गोल हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। आप देखते हैं कि उनसे भी डायरेक्ट आपके कई बार प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार आप देखते हैं निबंध लिखते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं, वहां भी आप उन फैक्ट का उपयोग कर सकते हैं उन सभी गोल्स का, ठीक है। आप लोग पर्यावरण पर कभी निबंध लिख रहे हो या महिलाओं की स्थिति पर या शिक्षा पर, तो आप वहां से आराम से मतलब कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 44। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे, और दूसरा कथन कह रहा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। और उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन क्या करना है? चुनना है। कैसे चुनोगे सही कथन?
तो इसमें आप देखेंगे ना तो एक आपका कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है, दोनों कथन आपके बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 में आपने देखा होगा कि कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में। और कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 45। गोल्डी लॉक्स जॉन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? गोल्डी लॉक्स जॉन ये किस कारण से चर्चा में रहता है, बताइए कुछ इसके बारे में। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है कि भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। बी कह रहा है पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है। सी कह रहा है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। और डी कह रहा है आपसे मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। इसमें से क्या लगाओगे? तो इसमें से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के लिए गोल्डी लॉक्स जॉन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 46। क्या पूछ रहा है? इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका आ चुका है, इतिहास का। तो इसमें से कौन था? एक कथन कह रहा है बी ओ चिदंबरम पिल्ले, बी कह रहा है आपका सी राजगोपालाचारी, सी कह रहा है के कामराज और डी कह रहा है एनी बेसेंट। तो आप सभी को मालूम होगा मुझे लगता है सी राजा राजगोपालाचारी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोद आश्रम से तिचुरापल्ली के वेदाख्यायम तक नमक यात्रा की थी। ये अप्रैल 1930 की बात है। अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, राजगोपालाचारी साहब ने। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 47। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? किस देवता की है? इसमें आपका ए ऑप्शन कह रहा है अमोघवर्ष प्रथम, बी कह रहा है बल्लाल द्वितीय, सी कह रहा है हरिहर प्रथम और डी कह रहा है प्रताप रुद्र द्वितीय। तो याद रखिए इसमें हरिहर प्रथम रहेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। हरिहर प्रथम विजय नगर साम्राज्य का संस्थापक था और इसने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर की स्थापना की थी और स्वयं को देवता का प्रतिनिधि घोषित किया था इसने और शासन की बागडोर संभाली थी। किसने? हरिहर प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसी की बात की जा रही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 48। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। क्या पूछ रहा है कथन आपसे? ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। आगे आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक तो आप लोगों को बता चुका हूं कई बार कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको बता देना है सरोजिनी नायडू थी। ठीक है,
तो इन दोनों में आप लोग फर्क जरूर याद रखिएगा। इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही रहेगा। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और भारत की भारतीय महिला की अगर बात की जाए तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 49। हरित जलवायु निधि यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछ रहा है? एक कथन कह रहा है, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा कह रहा है, इसे UNEP, OECD और एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे केवल एक कथन आपका सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि आप देखेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड को UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 50। वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया था? किस एक को दिया गया था बताइए, किसे दिया गया था? ए ऑप्शन कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान, सी कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन, और डी कह रहा है आपसे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। तो इसमें याद रखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को दिया गया था। किसे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछ रहा है? चलते हैं 51 प्रश्न क्रमांक 51 पर। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन आपसे क्या पूछ रहा है? पहला कथन कह रहा है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। दूसरा कह रहा है इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। और तीसरा कह रहा है इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें याद रखिए केवल आपका एक कथन सही है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो आप देखेंगे 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था। इस मिशन की कार्य योजना में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा संघीय सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था, जबकि भारतीय न्यायालय को शक्ति का विस्तार करना और ICS में और अधिक भारतीय प्रतिनिधि इस मिशन की कार्य सूची में शामिल नहीं थे। ठीक है, 1946 में ये भारत पहुंचा था। ठीक है, तो इसमें केवल आपका एक कथन सही रहेगा। ठीक है, ठीक तो कही हो सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 52। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? क्या होती है? परिवर्तित होती है। ए कह रहा है आपसे कंचनजंगा नेशनल पार्क, बी कह रहा है नंदा देवी नेशनल पार्क, सी कह रहा है नेवरा वैली नेशनल पार्क और डी कह रहा है आपसे नामदफा नेशनल पार्क। तो इसमें आप देखेंगे नामदफा नेशनल पार्क है, और नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र की जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यह उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण एवं शीतोष्ण से आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, और इसे 1972 में संरक्षित भी किया गया है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 53।
एमएनएसटी इंटरनेशनल क्या है? क्या कह रहा है आपसे? एमएनएसटी इंटरनेशनल ये क्या है आखिर? ए ऑप्शन कह रहा है इसे गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। बी कह रहा है विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। सी कह रहा है निर्धन लोगों की मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है। और डी कह रहा है युद्ध से विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण है। तो इसमें याद रखिए आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एमएनएसटी इंटरनेशनल मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित एक वैश्विक आंदोलन है, ठीक है। इसमें आपका बी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही है। आपको आंसर कॉपी जो आंसर शीट होती है उस पर बी गोला भरना चाहिए था। क्वेश्चन है हमारे सामने 54। क्या पूछ रहा है 54 क्वेश्चन? भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? बताइए, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? इसमें पहला आपसे पूछ रहा कह रहा है ए ऑप्शन। क्या कह रहा है ए ऑप्शन? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। बी कह रहा है धौली स्थित सैलकृत हाथी। सी कह रहा है महाबलीपुरम स्थित सैलकृत स्मारक। और डी कह रहा है उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो इसमें आप याद रखिए धौली स्थित सैलकृत हाथी होगा। धौली स्थित सैलकृत हाथी, मौर्यकाल उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति गुप्त काल की देखने को मिलेगा, और महाबलीपुरम स्थित सैलकृत स्मारक 7वीं सदी के आसपास के देखने को मिलेंगे, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर 11वीं सदी में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 55। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? एक कथन कह रहा है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानिक राजनीतिक सत्ता। दूसरा कथन कह रहा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा कथन कह रहा है कि सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही कथन तीन में से चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका दूसरा सही होगा, एक आपका तीसरा सही होगा। गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक संरचना की मुख्य विशेषता सामंतवाद का उदय था, और सामंतवाद की प्रमुख प्रवृत्ति देखें तो विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना का उदय होता है। इसके आधार तत्व में आप देखेंगे दुर्बल सशक्त राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना एवं सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामीदास का संबंध, इनके क्या थे? अनिवार्य तत्व। तो इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दो और तीन कथन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 56। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? ए ऑप्शन कह रहा है एशिया विकास बैंक। बी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और डी कह रहा है आपसे विश्व बैंक। तो याद रखिए विश्व बैंक आप लोग लगाएंगे। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स कार्यक्रम का प्रबंधन आपका विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना और वन क्षेत्र का विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन रहेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 57। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? और आपको बताया भी था कि जो भी महत्वपूर्ण संगठन है उन सबको आप लोगों को पढ़ लेना है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, और खासकर उन सदस्य उन संगठनों के बारे में जरूर याद रखना है जिसमें भारत सदस्य है, भारत जिसका मेंबर है। तो इसमें आप लोगों को बताना है, क्या बताओगे? एक कथन कह रहा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसे आप लोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं। बी कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आप लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं। और तीसरा कह रहा है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसे आप लोग ईस्ट एशिया समिट कहते हैं। तो इसमें आप लोग बताइए क्या करोगे? तो याद रखिए केवल तीन होगा इसमें, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन जो आप देखेंगे इसमें भारत सदस्य है, इसका क्या है? भारत इसका सदस्य है। इसमें आपका केवल तीन रहेगा, यानी कि वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 58। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ए कह रहा है सोरा, बी कह रहा है सेल्फ फॉस्फेट, जिसे रॉक फॉस्फेट भी कहते हैं। सी कह रहा है आपसे कोकारी कोकिंग कोयला, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसमें आप लोग सी लगाएंगे, कोकारी कोकिंग कोयला। वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर हम लोग बात करें तो लगभग 70% इस्पात उत्पादन केवल कुकिंग कोयला पर निर्भर करता है, ठीक है? और भारत में भी आप देखेंगे कोलिंग कोयले का आयात किया जाता है, हमारे पास इतनी उत्पादन नहीं है कि हम लोग उसका उपयोग कर सकें, अपनी पूर्ति पूरी कर सकें, ठीक है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारे सामने 59। भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए किए गए हैं? किसके लिए किए गए हैं? ए ऑप्शन आपसे कह रहा है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, यानी कि एसटी, और बी कह रहा है राज्यों की भी सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी कह रहा है पंचायतों की शक्तियों प्राधिकरण प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, और डी कह रहा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो आप लोग आंख बंद करके इसे ए ऑप्शन लगा देंगे। जो पांचवी अनुसूची है आप देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बात करता है, जबकि आप देखेंगे छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(2) ये असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में व्यवस्था करता है, ठीक है? तो ये दोनों आपके अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण की एक तरह से बात करता है, इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 60। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या कीजिए? विचार कीजिएगा। संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। बी कह रहा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। और तीसरा कह रहा है लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
इनमें से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट तैयार करने का दायित्व आर्थिक मामलों के विभाग का होता है। किसका? आर्थिक मामलों के विभाग का होता है, ना कि राजस्व विभाग से। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे केवल दो आपका बिल्कुल सही रहेगा, केवल दो कथन बिल्कुल सही रहेगा। आप देखिए कि बजट की बात, हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, वित्तीय वार्षिक विवरण की बात की गई है, तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 61। क्या कह रहा है 61? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय या भारत का उच्चतम न्यायालय? तो ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय एक तरह से अभिरक्षक है, संविधान की रक्षा करता है। भारतीय न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि अथवा निर्णय की समीक्षा कर सकती है जिसके बारे में संशय उत्पन्न होता है कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहा है, और वह यदि ऐसा पाती है कि ऐसा हुआ है तो उसे विधि शून्य घोषित कर सकता है। यानी कि इस तरह का कोई कानून बनता है जो आपके संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति है कि उसकी समीक्षा कर सकता है, और उसे अगर सही पाया जाता है तो उसे हटा सकता है, उसे खत्म कर सकता है, उसकी शक्ति को जीरो कर सकता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को उसे संविधान का अभिरक्षक कहते हैं, यानी कि रक्षा करने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। और इसमें आप देखेंगे कि पहला कथन कह रहा है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। इनमें से आपको सही कथन चुनना है। इस लाइन को हर बार आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, ठीक है? क्योंकि आप देखिए कि अगर इसमें सही नहीं है, अगर लिखा होता, तो आप देखते हैं कि इसका आंसर ही तुरंत बदल जाता। इसमें पूछ रहा है सही है, तो इसमें आप बताइए कौन सही होगा। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही रहेगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में पिछड़े राज्यों, पहाड़ी राज्यों को सिंचाई के लिए लोन उपलब्ध कराने की एक योजना थी, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 63। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? किसके अधीन किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ए कह रहा है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। बी कह रहा है माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और डी कह रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसमें से किसके अधीन? तो याद रखिए इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत विधि निर्माण, उत्पादों के निर्माण और उसके उत्पाद आयात निर्यात आदि से संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, और जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, इसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 64। मैकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन से देश प्रतिभागी नहीं है? अब आप समझिए यहां,
पिति भागी हैं और पिति भागी नहीं है, तो इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। क्या है? नहीं है। एक है आपका बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड। और आगे ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, तो इसमें शामिल नहीं है पूछ रहा है। एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक तो आपका बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है और एक आप देखेंगे चीन आपका शामिल नहीं है। मेकांग गंगा सहयोग का गठन आप देखेंगे 10 नवंबर सन 2000 में हुआ था, 10 नवंबर सन 2000 की में पहल हुई थी ये। और इस संगठन में आप देखेंगे 6 सदस्य शामिल हैं, एक तो आप देखेंगे भारत, दूसरा आप देखेंगे थाईलैंड, तीसरा आप देखेंगे म्यांमार, चौथा आप देखेंगे कंबोडिया और पांचवा आप लाओस और छठवा वियतनाम। एक बार फिर से बता देता हूं, मैकांग गंगा सहयोग का गठन 10 नवंबर सन 2000 में हुआ था और इस संगठन में 6 सदस्य 6 कंट्रीज शामिल हैं आपके, जिसमें आप देखेंगे इंडिया भी शामिल है यानी कि भारत भी शामिल है, थाईलैंड भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, कंबोडिया भी शामिल है, लाओस भी शामिल है और वियतनाम भी आपका शामिल है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इन कथन में आपका बांग्लादेश नहीं है और चीन नहीं है, तो इसमें क्या लगाओगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्रमांक है हमारा 65। समाचारों पर आने वाली बेसल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में हम कहें बासल थर्ड क्या है आखिर? बताइए आखिर ये है क्या? ए ऑप्शन कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति विकसित करने का प्रयास करता है। बी कह रहा है बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उत्पन्न करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। सी कह रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। और डी कह रहा है विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे पिसीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानि रहित रसायनों का प्रयोग कर सके। तो इसमें आप सभी को मालूम है कि ये बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बासल थर्ड मानक बैंकों में पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है जो बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए बासल थर्ड पूंजी संबंधित मानकों के पूर्व अनुपालन के लिए समय सीमा में 1 वर्ष की आप देखेंगे ये उस समय का करेंट का काफी अच्छा क्वेश्चंस माना जाता था। ठीक है, तो याद रखिए इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 66। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। कैसे करोगे विचार? एक कथन कह रहा है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहितया पछुआ हवाओं के भाग होते हैं। इनमें से आपको सही कथन चुनना है, इन दोनों कथनों में से क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो याद रखिए केवल इसमें दूसरा कथन बिल्कुल सही रहेगा। अयन वित्तीय उच्च वायुदाब की पेटी से ध्रुव वित्तीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर बहने वाली हवाओं को आप लोग पछुआ पवन या पछुआ हवाएं कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं आप देखेंगे 30 डिग्री से 40 अक्षांशों में या फिर आप देखेंगे 60 या 65 के बीच बहती हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहिता पछुआ हवाओं के भागी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन क्या रहेगा? सही है। इसमें अगला प्रश्न क्रमांक है हमारे सामने 67। 67
क्या कह रहा है आपसे 67? क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, जिसे आप लोग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसमें एक कथन आपसे कह रहा है, इसकी स्थापना अत्यंत हाल में ही समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिफलाव ऑयल स्पल्स की घटनाओं दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई। दूसरा कथन कह रहा है कि एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो याद रखिए, इसमें एक ना तो एक कथन आपका सही है, ना ही दूसरा कथन आपका सही है, यानी कि दोनों दोनों कथन आपके सही है। अगर हम रिम संघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में मॉरिशस में हुई थी और इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाना। और इस संगठन का आप देखेंगे मुख्यालय की बात करें तो पोर्ट लुइस में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसमें दोनों कथन गलत है, यानी कि क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। ठीक है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 68। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? नरम दल का आप समझ रहे हैं, मानना था कि हाथ जोड़ के प्रार्थना पत्र देके एक लव लेटर देके अपनी बातों को मनवाना, और गरम दल के नेताओं का मानना था कि समझ रहे हैं हथियार वत्यार लेकर डरा धम करके जबरदस्ती अपना काम निकलवाना। तो बताइए इसमें क्या करोगे? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और डी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप सभी जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनका एक तरह से क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा कि 1906 में हुए स्वदेशी आंदोलन के अनुयायी नेताओं के बीच रणनीति को लेकर विचारधारात्मक मतभेद की हुए थे। और 1907 में आपका सूरत में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसके द्वारा आप देखेंगे कांग्रेस में विघटन हो गया था और नरम दल और गरम दल देखने को मिले थे आपको। ठीक है, 1907 में आपका वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 69। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरण कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है तो ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पाए जाते हैं? और आपने देखा होगा कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहे थे, एक तरह से आप कहिए कि जो आपके मिट्टी या सीमेंट या गिट्टी, इससे जो आपकी पुल बनाए जाते हैं, आप जानते हैं कि इसकी जैसे ही आप देखिए इसका समय बढ़ता जाता है वो कमजोर होते जाते हैं। लेकिन जो आप देखेंगे कि जो वृक्षों की जड़ें होती हैं इन्हें मिलाकर आप देखेंगे जो पुल बनाए जाते हैं, जैसे जैसे समय होता जाएगा वो और मजबूत होते जाएंगे। इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या करोगे बताइए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप सभी को मालूम है कि मेघालय में इस तरह के पुल देखने को मिलेंगे। मेघालय के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां जो लोग रहते हैं जनजाति, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि वहां उगने वाले वृक्षों की जड़ों और शाखाओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं और एक तरह से पुल का रूप दे देते हैं। और इस प्रकार के पुल आप देखेंगे मेघालय से चेहरा पूंजी हो, नॉन गेट, लातसनी आदि स्थानों पर देखने को आपको मिलेंगे। तो आप सोचिए कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे बहुत अच्छी तकनीक जाना करते थे, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जो STSC हैं वो अभी भी उसी तकनीक पर बात करते हैं, वही पुराने जमाने वाली। ठीक है, और पूर्व में आप देखते हैं कि मेघालय आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 70। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होता है या होते हैं, होता है या होते हैं?
एक कथन कह रहा है सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और तीसरा कह रहा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे इसमें तीनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। ज्वार भाटा समुद्री जल गतियों में से एक अति महत्वपूर्ण गति है, और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र जल के नियमित रूप से ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को आप लोग ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि ऊपर आप देखिए ज्वार और नीचे गिरे भाटा, और दैनिक ज्वार भाटा को सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की स्थिति गतियां समय अनुसार अत्यधिक प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। क्या कह रहा है 71? निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। एक कथन कह रहा है कि फसल की उपज का आकलन, दूसरा कह रहा है भौम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, तीसरा कह रहा है खनिज का अन्वेषण, और चार नंबर कह रहा है दूर संचार, और पांचवा कह रहा है यातायात अध्ययन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें याद रखिए, एक तो आपका एक सही है, दो सही है और तीन सही है। फसल की उपज का आकलन की बात कर लीजिए, या भौम जल की बात कर लीजिए, या यातायात अध्ययन के लिए आप देखेंगे IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका क्या रहेगा इसमें? खनिज का अन्वेषण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न एक क्रमांक 72। क्या कह रहा है 72? निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है, और कर भी क्या सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किनमें उष्ण कटिबंधीय आद्र सदाबहार वन होते हैं? तो इसमें आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा आपको, और मिजोरम में भी। उष्ण कटिबंधीय आद्र सदाबहार वन आपके अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, या ऊपरी असम में देखने को मिलेंगे, नागालैंड में भी देखने को मिलेंगे, आपको मिजोरम में भी देखने को मिल जाएंगे, मणिपुर में भी देखने को मिल जाएंगे, और त्रिपुरा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सी ऑप्शन। यानी कि जो आपके पूर्वी राज्य हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 73। प्रश्न क्रमांक 73 क्या कह रहा है आपसे? कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? ए ऑप्शन कह रहा है देशज रूप से विकसित भारतीय रक्षा में अधिष्ठापित रडार सिस्टम। बी कह रहा है हिंद महासागर रिम के देशों को सेवा प्रदान करने हेतु भारत का उपग्रह। और सी कह रहा है भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान। और डी कह रहा है आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतरजलीय वैधशाला। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो याद रखिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, इंड आर्क। इंड आर्क ये आपका आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतरजलीय वेधशाला है, और जिसकी स्थापना आप देखेंगे 24 जुलाई सन 2014 में की गई थी, जुलाई 2014 में। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 74। वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी
कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, सही कथन देखना है। तो इसमें एक पहला कथन कह रहा है, यह सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा कह रहा है, यह धारणीय सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और तीसरा कथन कह रहा है इसमें कि यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इन तीन में से, कौन सा सही है इसमें। तो इसमें याद रखिए, एक तो पहला आपका बिल्कुल सही है और एक आप देखेंगे तीसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा, पहला और तीसरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगाओगे, पहला तीसरा, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 75। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस दिया गया है, किसे दिया गया है बताइए, कुछ पता हो तो, और ना पता हो तो तब भी अच्छा है। उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमिया। तो आप देखेंगे उड़िया को दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि आपकी और भी भाषाएं शामिल हैं, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़, मलयालम, ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा कह रहा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। और तीसरा कह रहा है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है, सही उत्तर देखना है आपको। तो कैसे देखोगे, तो इसमें आप देखेंगे एक आपका दूसरा बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा बिल्कुल कथन इसमें सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा। इसमें क्या लगाओगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है, दो और तीन कथन आपका बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे सामने 77। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, क्या कह रहा है आपसे। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। तो आप देखेंगे कुछ तो आपके फैले होंगे, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए जॉर्डन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 78। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ए ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन, बी कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और सी कह रहा है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, और डी कह रहा है घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो याद रखिए इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है 79। प्रयास समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, निम्नलिखित में से क्या है? बताइए इसमें क्या है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है इसमें आपका, क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक परिणाम। बी कह रहा है एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक समृद्धि का एक कार्य योजना, एशिया प्रशांत आर्थिक मंच के विचार विमर्श का एक परिणाम। सी कह रहा है महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। और डी कह रहा है वन्य जीवों के दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की एक उद्घोषणा। इन चार में से आपको बताना है, बताइए क्या करोगे। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। 15 सितंबर 1995 को महिलाओं के विषय पर होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में बीजिंग घोषणा को स्वीकार किया गया था, और यह घोषणा स्त्री और पुरुषों की समानता और महिला सशक्तिकरण पर बल देती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 80। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है, सुबह समुद्री मंद पवन के साथ और साफ और उजली होती है। जैसे जैसे आप देखेंगे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उद्यान में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो बताइए किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे सवाना या विषुवतीय या मानसून या भूमध्य सागरीय। तो याद रखिए विषुवतीय विषुवतीय के बारे में कहा गया है। विषुवतीय भाग 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को होता है, और इसके आसपास आप देखेंगे विषुवतीय रेखीय बन पाए जाते हैं। और अफ्रीका में जारी घाटी हो गई, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी हो गई, इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो बी ऑप्शन इसमें आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 81। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, क्या करना है, विचार ही करोगे आप लोग। एक ऑप्शन का एक कथन क्या कह रहा है, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही। और दूसरा कथन कह रहा है पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा। इनमें से सही कथन आपको चुनना है, लेकिन आपको बता दूं इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि जिस समय आपने देखा कि उस समय ये करंट का काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। पिछले दशक यानी कि आप देखिए कि 2005 से लेकर 2015 के बीच किया गया है, या 2000 सन 2000 से 2010 की कालावधि के दौरान। आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगातार नहीं बढ़ी थी। तो इसमें आप लोग डी लगाएंगे, यानी कि दोनों आपकी कथन बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा की आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है, क्या करोगे, सही कथन देखना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे ना तो आपका एक कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, बिल्कुल दोनों कथन आपके बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार किसी भी राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का एक तिहाई और न्यूनतम आप देखेंगे तो 40 होगी। और विधान परिषद के सभापति का चुनाव होता है, परिषद अपने सदस्यों के बीच से ही अपना जो उनका सभापति होता है उसका चुनाव करते हैं। आप देखते हैं कि हर राज्य में आपकी विधान परिषद नहीं होती है, समझ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं हर राज्य में आपकी विधानसभा देखने को मिलेगी।
और आप देखें केंद्र शासित प्रदेश की बात करिए तो आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, पुडुचेरी में भी देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे विधानसभा होगी। बाकी आपकी 28 जो राज्य हैं अभी करंट की बात करें सभी में आप विधानसभा देखेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसे विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ये स्थायी सदन तो है लेकिन इसे समाप्त भी किया जा सकता है और सृजन भी किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। लेकिन आप देखिए राज्यसभा से इसकी तुलना की जाती है लेकिन राज्यसभा को आप किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसमें न्यूनतम सदस्य आप देखेंगे 40 से कम नहीं होने चाहिए, और अधिकतम संख्या की बात करें तो आप जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके एक तिहाई सदस्यों की संख्या मतलब हो सकती है। मान लीजिए कि आप देखिए कि 300 सदस्य हैं आपके, तो लगभग आप देखिए 100 सदस्य मान लीजिए आप। चलिए तो इसमें क्या लगाओगे, दोनों कथन आपके बिल्कुल गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो मुझे तो लगता है आप सभी को मालूम होगा मूल कर्तव्य में एक किया गया है, और आप सभी जानिए कि एक तरह से आपको मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। इसका सीधा सा फंडा आप लोग समझिए, एक आप देखते हैं कि एक मान लीजिए कि आप पर कोई आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, ये उदाहरण एक तरह से मुझे अच्छा लगता है इस समय के लोगों पर, तो आपका भी तो कर्तव्य है कि उसके भरोसे को बनाए रखें, उसे ये ना कहा मतलब बता दें कि हाँ सच में तू अंधा है। यानी कि आप देखिए कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको आंदोलन करने की छूट दी गई है या आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो आप आंदोलन करने के जरिए ऐसा ना मत करिए कि आप सरकारी संपत्ति को जलाने लगे तोड़ने लगे, इसलिए आपके मौलिक कर्तव्य भी रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग और आप सभी को मालूम है कि जो आपका भाग चार है का है और अनुच्छेद 51 का, इसके अंतर्गत आपको 11 मूल मूल कर्तव्य देखने को मिलेंगे, और जो मौलिक कर्तव्य हैं रूस से लिए गए थे, और भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा इसी मूल कर्तव्य में आपको शामिल देखने को मिलेगी। सोवियत संघ यानी कि रूसी का पहले का नाम था एक तरह से सोवियत संघ, इसमें और भी कुछ देश आपके शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सर्वोत्कृष्ट वर्णन है तो कौन सा है इसमें बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, बी कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों का द्वारा आवासित है, सी कह रहा है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं, डी कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात। तो याद रखिए इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पारितंत्र शब्द का प्रयोग आप सभी जानते होंगे कि एजी ट्रांसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था, और यह जीवों का समुदाय और साथ में ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं, समुदायों के जीवों की रचना आकार उनके वातावरण के पारंपरिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 85, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का संबंध या उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? आपको बता दूं कि देखिए आप जानते हैं कि जो 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को या नगर निगम को आपका नगर पंचायतों को संविधान में जगह मिलती है 1992-93 की बात करें। अगर आप सोचिए कि गांधी जी कुछ समय और जिंदा रहते तो शुरुआत में ही आप देखते संविधान में इन्हें जगह मिल जाती, क्योंकि आप देखिए कि पंचायतों के पक्ष में बहुत गांधी जी बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे? एक कह रहा है विकास में जनभागीदारी, दूसरा कह रहा है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और चौथा कह रहा है वित्तीय संग्रहण फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए एक तो इसमें आप एक देखेंगे और एक आप तीन देखेंगे।
यानी कि आपका सी ऑप्शन रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था में जन भागीदारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का की सुनिश्चित बात की गई है, ठीक है। और पंचायती जो भी आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन है, इस पर भी हम लोगों ने कई बार बात कर चुके हैं, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनसे भी आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं हर परीक्षा में लगभग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 86। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार ही करना है। कैसे करोगे विचार? एक कह रहा है आपका बैंक दर, दूसरा कह रहा है खुली बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा कह रहा है लोक ऋण पब्लिक डेप्ट, और चौथा कह रहा है लोक राजस्व पब्लिक रेवेन्यू। उपयुक्त में से कौन मौद्रिक नीति के घटक हैं? कौन मौद्रिक नीति के घटक हैं? तो एक आप देखेंगे बैंक दर हो गई आपकी, और एक आप देखेंगे और एक आपकी हो गए खुली बाजार कार्रवाई, और आप देखेंगे जो लोक ऋण है और लोक राजस्व है, ये आपके राजकोषीय नीति के विषय होते हैं, ना कि मौद्रिक नीति के। यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 87। भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये कह रहा है भारत में मुद्रा स्फीति उत्स्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। बी कह रहा है मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। सी कह रहा है घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। और डी कह रहा है बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो इसमें याद रखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुद्रा स्फीति के नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय मुद्रा परिचलन को घटाना है, यानी कि मुद्रा जो आप देखिए बाजार में पैसा है उसकी कमी करना है, कम करना है एक तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 88। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल और पाकिस्तान। उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अपसार विषयक संधि ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अपसार संधि के नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स हैं? बताइए इनमें से कौन है? क्या करोगे 88 में? कौन सा कथन लगाओगे? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि एक तो चीन और एक आपका फ्रांस। परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य जिसके नाम से जाना जाता है, चीन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसमें शामिल है आपके, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 89। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? किसमें प्रतिष्ठापित है? तो आप सभी को मालूम होगा ये तो, कि नहीं मालूम? उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, सातवीं अनुसूची। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, और ये आप जानते हैं कि संविधान का जो भाग है चार, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक तरह से आप देखिए इसमें जो सुविधाएं दी गई हैं, सुविधाएं देने की बात की गई है, वो राज्यों पर निर्भर करता है कि वो दें या ना दें। और आप सोचिए कि अगर अपने लोगों का ख्याल रखता है, समाज कल्याण ही एक तरह से राज्यों का कर्तव्य रहता है, तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श एक तरह से बन जाते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है 90। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है बताइए? एक कह रहा है श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, बी कह रहा है पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, और सी कह रहा है पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बी होगा इसमें पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति, इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 91। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों कि कैसे क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी कह रहा है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी कह रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, डी कह रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई आप सभी जानते हैं, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आप सोचिए कि जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक अपने अपने पद पर मंत्री बने रहते हैं, जैसे ही आप देखिए लोकसभा में उन्हें बहुमत नहीं रहेगा किस बात के मंत्री रहेंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन 52 92। H1N1 विषाणु का प्रयास समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, किस के संबंध में उल्लेख किया गया है इनका? एड्स, वर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये तो स्वाइन फ्लू की बात की गई है। H1N1 विषाणु स्वाइन फ्लू नामक बीमारी का वाहक है, और इस विषाणु का संक्रमण सूअरों द्वारा होता है, जो सूअर देखते हैं ना आप लोग उसी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारा 93। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक कह रहा है आपका कथन, जैव शौचालयों में मानव अवशिष्ट का अपघटन फंगस एनोकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। दूसरा कह रहा है इस अपघटन के अत्यंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए आपका ना तो एक सही है और ना ही दो। बायो टॉयलेट की शुरुआत आप सभी जानते हैं कि 2010-11 से की गई है, लेकिन रफ्तार अब बढ़ गई है। सबसे पहले बायो टॉयलेट ग्वालियर वाराणसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में लगाए गए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम सुने हो? और इसे सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में लगाने की योजना भी है, और 2020-21 तक इसे पूर्ण करने की योजना रखी गई थी। तो इसमें आपका ना तो एक सही है और ना ही दो, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने 94। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? बताइए किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। ए कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं, बी कह रहा है सोना और चांदी, सी कह रहा है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, और डी कह रहा है निर्यात योग्य वैसी सरप्लस। तो याद रखिए इसमें सी होगा आपका। अंतरराष्ट्रीय नकदी की समस्या डॉलर अन्य दुर्लभ मुद्राओं से संबंधित है, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 95। फ्यूल फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समर्थ ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है? पहला कथन आपसे कह रहा है कि यह शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा कह रहा है फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। और तीसरा कह रहा है कि फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। इनमें से आपको सही कथन चुनना है, सही कथन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए इसमें केवल आपका एक ही कथन सही है, यह शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, और तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। क्या लगाओगे इसमें? ए ऑप्शन आपका केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 96। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है, क्या रेफर करती है?
ए कह रहा है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, बी कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, सी कह रहा है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे ब्लॉक से की गई चित्रकारी, और डी कह रहा है उत्तरी उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो इसमें आपका क्या रहेगा? इसमें रहेगा आपका ए, कलमकारी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। इस कलात्मक विद्या में आप देखेंगे कपड़े पर कार्बनिक रंगों का प्रयोग चित्रण के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्या करता है? वर्णन करता है। ए कह रहा है किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। बी कह रहा है किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। और सी कह रहा है कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उद्दिष्ट यानी कि ईयर मार्क करना। और डी कह रहा है आपसे ग्रामों में उद्यमियों के अभिज्ञात करना और उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। इसमें आपका बी ऑप्शन आप लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 98। वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती हैं? कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती हैं? एक कह रहा है राजस्व व्यय में कमी लाना, दूसरा कह रहा है नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, तीसरा कह रहा है उपदानों और सब्सिडीज का युक्तिकरण करना, और चार कह रहा है उद्योगों का विस्तार करना। इनका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए एक तो आपका इस एक सही है और तीन यानी कि नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करना युक्ति खर्चों को बढ़ाता है जो घाटे की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देगा। अतः राजस्व व्यय को नियंत्रित करना और उद्योगों का विस्तार करना ही प्रभावी उपाय हो सकते हैं इसमें। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 99। 99। निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक सूचक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? बनारसी जरी और साड़ियां, राजस्थानी दाल वाली बाटी चूरमा, तिरुपति लट्टू। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों दो बनारसी आपका सही है। माफ करिए, इसमें इसमें आप देखेंगे बनारसी जरी और साड़ियां हैं और तिरुपति लड्डू हैं आपके। बनारसी जरी और साड़ियां और तिरुपति लड्डू को भौगोलिक सूचक की स्थिति प्रदान की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सोलापुरी तौलिया, चनेरी की साड़ियां, सोलापुरी चादर, कांचीपुरम की सिल्क, कुल्लू साल, इन सबको भी आप जानते हैं कि आपके एक तरह से भौगोलिक सूचक के रूप में दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसमें आपका एक तीन है। ठीक है, किसी कारणवश अगर गलत हो जाता है, गलत बता देता हूं, तो आप लोग थोड़ा बहुत सुधार के नीचे लिख दिया करिएगा कमेंट में। ठीक है, विस्तार से। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि ना गलत बताया जाए, फिर भी अगर गलत हो जाता है तो आप इतना तो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन है हमारे सामने अंतिम 100। भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे आप लोग IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है
और या दूसरा, या ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें याद रखिए आपके दोनों बिल्कुल सही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में की गई थी और यह पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, जिसे 2015 में मिनी रतन का दर्जा भी दिया गया था। और इसीलिए तो आपसे कहते हैं कि जो कंपनी हो, कोई टॉपिक हो, ज्यादा चर्चा में रहता है उस साल, तो उसे आप लोग पढ़ के जाया करिएगा जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है? उसे ही तो आपको लोग करेंट अफेयर्स कह देते हैं। जब हम लोगों ने विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, सभी देशों की अवस्थिति देख रहे थे, उनके बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे थे, तो आप में से ही कई लोगों के सवाल थे कि आखिर इन इतने सारे देश हैं, सबके बारे में सभी जानकारी याद रख पाना संभव है? तो देखिए, किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर कोई किसी कारण से देश चर्चा में रहता है, तो हाँ, उसके बारे में आप लोग 2-4-10 पॉइंट याद रख लिया करिएगा, वो आखिर है कहाँ, उससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं, उससे हमारे भारत के रिश्ते किस तरह के रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यही होती है स्मार्टगिरी। तो इसमें आप लोगों का सी रहेगा। चलिए, तो ये आपका यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस का 2015 का प्रीलिम्स का पहला पेपर खत्म होता है। अब लोग हम लोग मिलते हैं 2016 की प्रीलिम्स के पहले पेपर में, ठीक है? तब तक आप लोग एंजॉय करते देखते रहिए।